हेलो एवरीवन, आज हम लेकर के आए हैं लेयर वाली खस्ता नमकीन मठरी की रेसिपी। ये मार्केट वाली नमकीन मठरी से भी ज़्यादा टेस्टी होते हैं, बहुत ही क्रिस्पी होते हैं। आप इन्हें बना करके 1 से 2 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं और बनाना बहुत ही आसान होता है। तो चलिए इन्हें बनाना देखते हैं। इस नमकीन को बनाने के लिए हमने लिया है 1 कटोरी मैदा, वजन में लगभग 150 ग्राम। इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे, तो 1/2 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच कलौजी, 1/4 चम्मच अजवाइन डालेंगे। अजवाइन को हम क्रश करके डालेंगे। साथ ही में डालेंगे 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, तो यहाँ पे 1/2 चम्मच नमक लिया है। साथ ही डाल रहे हैं 1/2 चम्मच रिफाइंड ऑयल मोयन के लिए। अब इन सभी मसालों और तेल को हमें आटे में अच्छे से मिक्स कर लेना है और रगड़ते हुए मोयन देना है। तो यहाँ पे देखिए सब चीज़ें मिक्स हो गई हैं और जब इनकी हम मुट्ठी बना रहे हैं तो ये बैंड हो रहा है। तो मोयन हमें इतना देना है कि आटा हमारा बैंड होने लगे। अब चलिए इनको हम गूंथ लेते हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए बिल्कुल टाइट सा डो हमें बना के तैयार करना है। तो पानी हमें इकट्ठा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डालेंगे। और यहाँ देखिए आटे को हमने इकट्ठा कर लिया है। अब इस आटे को हम ढक कर के रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। जब तक ये रेस्ट ले रहा है हम साटा तैयार कर लेते हैं। साटा के लिए हमने यहाँ पे लिया है जमा हुआ घी 3 चम्मच और इसमें 2 चम्मच मैदा डाल रहे हैं। इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है, इसको फेंटते हुए बिल्कुल फ्लफी बना लेना है क्रीम के जैसा। तो यहाँ लीजिए साटा हमारा बन करके तैयार हो गया है। अब ये आटा भी हमारा अच्छे से फूल गया है, 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। आटे को हमें फिर से एक बार गूंथते हुए स्मूथ कर लेना है। इसे दोबारा से गूंथना ज़रूरी है ताकि ये बिल्कुल चिकना डो बन के तैयार हो जाए। तो ये लीजिए हमारा यहाँ पर डो बन करके तैयार है। अब इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। इसकी हमें लोई बनानी है, तो इस तरह से हाथों से दबाते हुए बिल्कुल चिकनी सी लोई हम बना के तैयार करेंगे। और इसका चकली बना करके हमें रोटी बेलना है। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल भी ये चिपक नहीं रही है क्योंकि इसमें हमने अच्छे से मोयन दिया है। अब चारों तरफ से घुमाते हुए इसकी एक बड़ी सी रोटी बना के तैयार करनी है। तो यहाँ लीजिए रोटी हमारी बन के तैयार हो गई है। इसको बिल्कुल बारीक सा बेला है जैसे रोटियाँ बनती हैं। अब इस पर हम घी और मैदे का जो पेस्ट बना के रखे हैं उसे लगा लेंगे। इसकी हमें पतली सी लेयर लगानी है, बहुत मोटा नहीं लगाना है। तो हाथों से इस तरह से चिकना करते हुए हम फैला देंगे और सब तरफ अच्छे से लगाना है। साटा लगाने के बाद इसको बीच में आधे में मोड़ देंगे और दूसरी तरफ से भी आधे में मोड़ देंगे इस तरीके से। और फिर से यहाँ पर हम साटा लगाएँगे जो हमने मैदे और घी का घोल बना के रखा है। इसको अच्छे से फैलाएंगे और पतली सी लेयर लगाएंगे। अब दूसरे साइड से भी आधे पे ही मोड़ेंगे और फिर इस साइड से। अब इसे हमें बेलन से बेलते हुए थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, तो बहुत बारीक नहीं बेलेंगे। जितना बड़ा हमने बनाया था रोटी उसका आधा ही बनाएंगे। और अब इस पर फिर से हम साटा लगाएंगे। हाथों से ये बहुत अच्छे से फैल जाता है चम्मच की अपेक्षा, तो हाथों से फैलाइएगा। अब इसे हमें फिर से मोड़ लेना है, तो अब इसको हम 3 पार्ट में मोड़ेंगे कुछ इस तरीके से और बेलन की मदद से इसे लंबाई में बेल लेंगे क्योंकि अभी ये काफ़ी मोटा है। बेलते हुए से हमें थोड़ा सा पतला कर देना है। अब इसकी हमें कटिंग करनी है, तो इस तरह से लंबी लंबी से हमें पट्टियाँ काटनी है जैसे हम नमक पारा काटते हैं उसी तरीके से। तो ये लीजिए हमारी सारी पट्टियाँ कट गई हैं और लेयर अभी भी नज़र आ रही हैं। अब इसको थाली या प्लेट में निकाल लेंगे और फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए हमें ऑयल को बहुत ही हल्का सा गर्म करना है। जब हम उसमें नमकीन डालें तो बस हल्के हल्के से इसमें बबल्स बने, बहुत तेज़ी से बबल्स ना बने, इतना गर्म हमें तेल को रखना है। तो देखिए इसको हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर रखा है और धीमी धीमी आँच पर इसे हम फ्राई करेंगे। धीमी आँच पर फ्राई करने से धीरे धीरे से इसकी जो परतें हैं वो खुलने लगती हैं। तो जैसे ही ये एक बार ऊपर आ जाए तैरते हुए इसको हम पलट देंगे और थोड़ी थोड़ी देर पे पलटते हुए इसको फ्राई करेंगे। तो फ्लेम को हमें लो रखना है और लो फ्लेम पे देखिए यहाँ थोड़ी ही देर में इसकी सारी परतें खुल गई हैं। अभी इसको अच्छा सा कलर आने तक हमें फ्राई करना है। फ्लेम को हमें लो ही रखना है, हाई नहीं करना है। जब इस तरह से इसमें हल्का सा कलर आने लगे तो फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और इस पर हल्का सा सुनहरा कलर आने देंगे। इसे दोनों साइड से हमें पलटते हुए क्रिस्पी फ्राई कर लेना है और जब इस पर हल्का सा सुनहरा कलर आ जाएगा तब इसे हम ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। इसका कलर हमें बहुत डार्क नहीं करना है,
जैसे ही लाइट कलर आएगा निकाल लेंगे और बाकी के नमकीन को भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे क्रिस्पी खस्तादार नमक पारे बनके तैयार हैं। इनकी लेयर देखिए बहुत ही अच्छे से लेयर खुल के आई है। और अब चलिए इन्हें तोड़ के दिखाते हैं। तो ये देखिए हल्का सा दबाते ही ये बिल्कुल टूट गए और बिखर गया है। इससे पता चलता है कि ये कितनी खस्तादार बनी है। तो आप भी इस लेयर नमक पारे को, इस मटरी को ज़रूर एक बार बनाइएगा, बना करके स्टोर कर लीजिएगा। इन्हें एयर टाइट कंटेनर में रखिएगा तो इनकी क्रिस्पनेस बनी रहेगी और ज़्यादा समय तक ये चलेगी। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।